सबसे पहले आपको लेट्स गो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद इस तरह से आएगा, इसमें आपको स्किप कर देना है। तो यहाँ पास वाईफाई का नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए स्क्रीन पे आएगा, इसमें से आपको वाईफाई का नेटवर्क सेटअप कर लेना है जो भी आपके आसपास है जिसमें नेट अच्छे से चलता हो। दोस्तों यहाँ पास ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने जिस मोबाइल से वाईफाई कनेक्ट किया है उसका इंटरनेट ऑन होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसेस को चलाना है। तो इस तरह से कुछ प्रोसेस होता है जो चलेगा। यहाँ पास नेक्स्ट करना है, इसके बाद फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ये प्रोसेस मैं आपको दिखाने के लिए चला रहा हूँ। ये देखिए, यूज़ माई गूगल अकाउंट इंस्टीट, इस पर आपको क्लिक करना है। ये देखिए, यहाँ पास ईमेल आईडी पासवर्ड मांग रहा है। अगर आपके पास ईमेल आईडी पासवर्ड है, आपको याद है, तो यहाँ पास फिलअप कीजिए और आपका फ़ोन ओपन हो जाएगा। अगर आपको याद नहीं है तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पूरा वीडियो को देखिए और जो स्टेप मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए, आपका जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, बैक जाना है पूरी तरह से और आपको आना है इस स्क्रीन पे। और यहाँ पास आपको एसेसिबिलिटी दिख रहा है ये नीचे में, इस पर आपको क्लिक करना है और आपको टॉक बैक को ऑन कर लेना है। ओके, इसके बाद इस तरह से आएगा स्क्रीन, या जो भी स्क्रीन आपके सामने आएगा उसमें आपको एल बनाना है, कैपिटल एल। तो इस तरह से बनेगा। इसके बाद आपको यहाँ पास एक बार धीरे से क्लिक करना है, इसके बाद डबल क्लिक इस पर जल्दी जल्दी करना है। तो इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, दो उंगली की सहायता से आपको नीचे जाना है और आपको क्या करना है, टॉक बैक ट्यूटोरियल दिख रहा होगा नीचे जाने के बाद। ये देखिए नीचे में, इसको बैक कर लेना है। ये देखिए टॉक बैक ट्यूटोरियल दिख रहा है, इस पर आपको डबल क्लिक करना है। तो इस तरह से आएगा। इसके बाद आपको ये टर्न ऑफ कर देना है और नीचे जाना है। देखिए यहाँ पास बहुत सारे वीडियो में दिखाया गया है कि हेल्प एंड फीडबैक शो करता है, यहाँ पास आपको शो नहीं कर रहा है, तो आपका जो प्रॉब्लम है वो दूर नहीं हो पाएगा। इसके लिए मैं बहुत ही स्पेशल ट्रिक बता रहा हूँ जो सभी नोकिया के फ़ोन्स में वर्क करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो ट्रिक क्या है, सबसे पहले आपको पूरी तरह से बैक हो जाना है। इसके बाद आपको जाना है, देखिए लैंग्वेज वाला जो है उस पर क्लिक आपको कर देना है और आपको यहाँ पास सेलेक्ट करना है दूसरा लैंग्वेज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कौन सा लैंग्वेज वर्क करेगा आपका ट्रिक के लिए। ये देखिए यहाँ पास जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है, कौन सा लैंग्वेज है। ये देखिए ये वाला, ये जो लैंग्वेज है यहाँ पास देख सकते हैं, ये इसके नीचे जस्ट रहता है। ये देखिए ये वाला पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है इस पर। इसके बाद देखिए यहाँ पास आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से प्रोसेस चलेगा, इसको आपको नहीं चलने देना, बैक कर देना है। तो इस तरह से आपका वाईफाई वाला जो सेटअप रहता है उस पर आएगा। इसमें आपको ये देखिए वाईफाई जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह आएगा, इसमें आपको प्लस वाले साइन पर क्लिक करना है और यहाँ पास आपको कुछ फिलअप नहीं करना है। आपको ये देखिए यहाँ पास इंटरनेट कनेक्टिविटी वाला जो दिख रहा है साइन, उस पर आपको क्लिक करके रखना है और इसके बाद आपको ये इस पर आपको नीचे में क्लिक करना है। इस तरह आएगा, इसमें आपको यहाँ पास क्लिक करना है नीचे में सबसे। तो इस तरह से बहुत सारे लैंग्वेज आपके सामने आएंगे, आपको यहाँ पास सिलेक्ट करना है, कोई भी इसमें से ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ किसको आपको सेलेक्ट करना है। जो भी कोष्टक वाले होंगे उस पर आपको क्लिक कर लेना है। देखिए यहाँ पास, इसके बाद इस तरह आएगा, इसमें आपको थ्री डॉट्स यहाँ है, थ्री डॉट्स इस पर आपको क्लिक करना है और नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें आपको देखिए सर्च बार वाला जो आइकन रहता है उस पर आपको क्लिक करना है और फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले पे क्लिक करके रखना है प्रेस करके, और नीचे वाला क्वेरी दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है।
तो इस तरह से आपका जो है इंग्लिश वाला लैंग्वेज आ जाएगा। इसमें आपको टाइप करना है डिलीट डिलीट, ये देखिए डी लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये देखिए ऑप्शन, इसमें आपको सबसे पहले वाला डिलीट और डिसेबल ऐप्स ऑन लिखा हुआ, उस पर क्लिक करना है। तो इस तरह से आपके सामने स्क्रीन आएगा, इसमें आपको स्लाइड करके नीचे जाना है और ये देखिए टैप टू गो टू एप्लीकेशन सेटिंग लिखा हुआ, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर देना है, नेक्स्ट करना है, यहाँ नो थैंक्स पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आपका जो है गूगल क्रोम ओपन हो गया। गूगल क्रोम में आपको टाइप करना है vnrom.net/bypass। और आपको सर्च कर देना है। तो इस तरह से आपके सामने स्क्रीन आएगा, इसमें से आपको दो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, एक एफएक्स लॉन्चर, ये देखिए यहाँ पास एफएक्स लॉन्चर दिख रहा है, यहाँ पास आपको इसको ब्लॉक कर देना है। एफएक्स लॉन्चर पे क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ कंटिन्यू कर देना है। और यहाँ पास देखिए दो लैंग्वेज रहता है, इसको आपको क्या करना है, एक कैंसिल रहता है, एक अलाउ रहता है, तो आपको अलाउ कर देना है इस पर क्लिक करके। यहाँ तो यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए पूछ रहा है, तो डाउनलोड पे क्लिक करना है, इसके बाद ओके करना है। इसके बाद आपको डाउनलोड करना है एक और एप्लीकेशन जिसका नाम है FRP VN ROM ऐप, तो इस पर आपको क्लिक करना है, ओके करना है। तो इस तरह से दोनों डाउनलोडिंग पे लग चुका है। आपको डाउनलोडिंग देखने के लिए देखिए होम पे क्लिक करना है, यहाँ नहीं शो कर रहा है तो आपको ये 3 डॉट पे क्लिक कर लेना है। और ये देखिए डाउनलोड्स दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। ये देखिए दो एप्लीकेशन है जो डाउनलोड हो रहा है, तो आपको वेट कर लेना है यहाँ पास डाउनलोड होने के लिए। ये देखिए एफएक्स लॉन्चर डाउनलोड हुआ है, तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, ओके करना है इस पर। और आपको यहाँ पास एक कैंसिल रहता है, एक क्या रहता है अलाउ, तो इस पर अलाउ कर देते हैं, इसको क्या करना ऑन कर लेना है। इसके बाद आपको एक बार बैक करना है, इसके बाद आपको इंस्टॉल कर लेना है। देखिए इंस्टॉल हो रहा है, इसके बाद आपको ओपन कर लेना है। देखिए यहाँ पास देखते रहना है आराम से। तो इस तरह से आपका सामने स्क्रीन आएगा, इसमें से सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग में। ये देखिए सेटिंग है, और आपको सेटिंग में जाने के बाद लैंग्वेज जो होता है उसको चेंज कर लेना है। तो यहाँ पास मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। यहाँ पास इस तरह रहेगा, इसमें आपको सबसे नीचे वाला जो अबाउट रहता है, देखिए यहाँ पास ए वाला साइन के नीचे, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस तरह आएगा, इसमें से आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी वाला जो ऑप्शन रहता है इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पास आपको क्या करना है, ये देखिए ये वाला ऑप्शन देख सकते हैं आइकन को, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद इस तरह आएगा, इसमें आपको प्लस वाले साइन पर क्लिक करना है। तो इस तरह से लैंग्वेज वाला ऑप्शन आएगा, इसमें आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, इंडिया के हैं तो। इसके बाद आपका जो है लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, इसके बाद आपको बैक हो जाना है। उससे पहले आपको लैंग्वेज को फर्स्ट नंबर पे कर लेना है, इस पर क्लिक करके जो दिख रहा है इसको ऊपर करना है, खींच के ऐसे प्रेस करके रखना है। तो इस तरह से लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, इसके बाद आपको पूरे बैक जाना है। तो यहाँ पास आने के बाद आपको क्या करना है, जो एप्लीकेशन हमने डाउनलोड किया था उसको आपको इंस्टॉल करना है। उससे पहले आपको जाना है सेटिंग में, बैक करना है, सेटिंग में जाना है, और आपको जाना है सिक्योरिटी में। ये देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी एंड लोकेशन पे, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको जाना है डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर, ये देखिए डिवाइस एडमिन ऐप, इस पर क्लिक करना है और इसको ऑफ करना है। और यहाँ पास डीएक्टिवेट दिस डिवाइस ये वाला पे क्लिक करना है। इसके बाद बैक जाना है, इसके बाद आपको जाना है बैक, इसके बाद आपको जाना है ऐप्स में,
ये देखिए ऐप्स एंड नोटिफिकेशन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको पूरे को सी ऑल दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पास आपको जाना है गूगल प्ले सर्विस में। ये देखिए इसको आपको क्या करना है, डिसेबल कर देना है, डिसेबल ऐप। इसके बाद आपको बैक करना है और बैक करना है और जो एप्लीकेशन डाउनलोड किए थे उसको इंस्टॉल कर लेना है। डाउनलोड्स में आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलेगा तो आपको क्रोम में जाना है और यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करना है और जाना है डाउनलोड्स में। यहाँ देखिए FRP VN ROM ऐप जो डाउनलोड किए थे उसको इंस्टॉल कर लेना है। नेक्स्ट करना है इंस्टॉल। तो इस तरह से इंस्टॉल होगा, आपको इंस्टॉल होने देना है। ये देखिए इंस्टॉल हो गया, इसके बाद आपको डन कर देना है और जाना है पूरी तरह से बैक। इसके बाद जाना है सेटिंग में, इसके बाद जाना है अकाउंट्स। ये देखिए दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ ऐड अकाउंट पर क्लिक करना है और यहाँ गूगल को सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से प्रोसेस चलेगा, इस प्रोसेस को आपको चलने देना है। ये देखिए यहाँ पास आपको क्लोज ऐप दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। ये देखिए साइन इन वाला ऑप्शन दे रहा है यहाँ पास। वेरीफाई दिया होता तो आपको पहले वाला ईमेल आईडी डालना पड़ता, लेकिन साइन इन का ऑप्शन दे रहा है यानी कि आप यहाँ पास कोई भी ईमेल आईडी डाल सकते हैं, अभी तुरंत बनाकर डाल सकते हैं या पहले से ही आपके पास है उसको भी डाल सकते हैं। यहाँ पास मैं अपना फिलअप कर देता हूँ, कर देना है। तो इस तरह से आएगा, इसमें आपको पासवर्ड फिलअप कर लेना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, आई एग्री करना है। तो इस तरह से आपका जो है अकाउंट ऐड हो रहा है। ये देखिए अकाउंट ऐड हो गया, ऊपर में देख सकते हैं अकाउंट ऐड हो चुका है। इसके बाद आपको बैक करना है, क्लोज ऐप करना है इसको, उसके बाद बैक करना है और आपको जाना है ऐप्स एंड नोटिफिकेशन वाला जो है इस पर क्लिक करना है और जो गूगल प्ले सर्विस ऑन किए थे उसको ऑफ करना है, मतलब उसको एनेबल करना है। इसको सी ऑल करेंगे, अरे देखिए गूगल प्ले सर्विस इसको डिसेबल किए थे, इसको अनेबल कर लेना है। इसके बाद आपको बैक करना है और फ़ोन को रिस्टार्ट करना है। यहाँ पास आपका जो है प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। आपको मैं दिखा देता हूँ, रिस्टार्ट होने के बाद जो है ईमेल आईडी वाला ऑप्शन नहीं मांगेगा, अकाउंट ऐड हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे। यहाँ पास ये देख सकते हैं फ़ोन ओपन हो रहा है। ये देखिए फ़ोन चालू होने के बाद इस तरह का आएगा, इसमें आपको लेट्स गो पे क्लिक करना है, फ़ोन स्किप कर देना है यहाँ। तो इस तरह से प्रोसेस कुछ चलने वाले हैं, तो आपको वेट कर लेना है। यहाँ पास आपको नेक्स्ट कर लेना है और ये देखिए डोंट कॉपी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक नहीं करना। ऊपर में देखिए इस पर क्लिक करना है। आप यहाँ देख सकते हैं अकाउंट एडेड लिखा हुआ है, अकाउंट एड हो चुका है। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। इसके बाद आपको ये देखिए ऊपर वाले जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक नहीं करना है। ये देखिए वाईफाई वाला है, इसको आपको क्या करना है, बैक कर देना है, डोंट रिस्टोर पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, मोर पे क्लिक करना है, नेक्स्ट एक्सेप्ट नेक्स्ट करना है और सेटअप स्क्रीन लॉक। यदि आप स्क्रीन लॉक रखना चाहते हैं तो इसको सेट कर सकते हैं, नहीं तो आपको बैक कर लेना है और यहाँ स्किप कर देना है। क्लोज ऐप करना है, इसको नोट नाउ पे क्लिक करना है, स्किप एनी में
यहाँ क्लिक करना है, टर्न ऑन नहीं करना है, इसको आपको नो थैंक्स करना है, नो थैंक्स। ये देखिए यहाँ पास स्कीप फोर नाउ लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और ये देखिए रिमाइंड मी लेटर पे क्लिक करना है और नॉट नाउ ये क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका जो गूगल अकाउंट वाला प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा, ये देख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है और जो एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल किए हैं उसको आपको डिलीट कर लेना है। ये देखिए उसी का एरर शो कर रहा है, तो आपको डिलीट कर देना है वो एप्लीकेशन जो इंस्टॉल किए हैं। ये देखिए ऐप्स में जाना है और यहाँ पास देखिए एपेक्स लॉन्चर, इसको अनइंस्टॉल करना है। इसके बाद आपको एक और एप्लीकेशन है, देखिए दूसरा वाला बाईपास FRP वाला, इसको भी अनइंस्टॉल कर देना है। इसके बाद आपको कोई इशू नहीं आएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर इससे रिलेटेड या कोई भी नोकिया फ़ोन से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपका जवाब ज़रूर मैं आपको दूंगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने वाले जो देख रहे हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वीडियो देखी। आपका दिन शुभ हो।